मां लक्ष्मी का जन्मदिन, जिस दिन स्वयं हम सबकी प्यारी मां ने जन्म लिया, क्या आप जानते हैं वह दिन कौन सा है? नहीं जानते तो बता देते हैं दोस्तों, यह दिन कोई और नहीं बल्कि शरद पूर्णिमा है, जो कि इस बार 16 अक्टूबर को है। भूल मत जाना बिल्कुल, इस बार आपको माता रानी को, मां लक्ष्मी को घर में स्थापित कर ही लेना है। कैसे करना है आज इस बारे में बड़ी गोपनीय जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना और कोई स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। ये उपाय हमने करोड़ों लोगों को बताया है और जिसने भी मन से करा है, अर्थात लगन से करा है, उसे निराशा हाथ नहीं लगी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चांद पूरी कलाओं से तो युक्त रहता ही है, बल्कि स्वयं इसकी किरणों में लक्ष्मी मां बरसती है। मां लक्ष्मी का जन्म इसी चांद की चांदनी में हुआ, तो आप सोच सकते हैं कितनी गोपनीय और तंत्रोक्त यह रात्रि हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चांद की इन किरणों को आप एकत्रित कर अथाह धन संपदा पा सकते हैं। कर्ज से अगर परेशान हो ना आज आप, तो नोट कर लो ये बात कि अगली शरद पूर्णिमा तक कर्ज मिटना ही मिटना है। गरीबी समाप्त करने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं है कोई भी, तो जल्दी से प्रेम से लिखना कमेंट, हे मां लक्ष्मी हमारे घर आ जाओ, शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। पहले तो आपको यह बता दें कि अगर कोई लक्ष्मी मां का मंत्र है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो पहले उसकी विधि बताएंगे और फिर बताएंगे कि कैसे सिक्के में आप चांद की रोशनी को एकत्रित कर अपनी गरीबी और निर्धनता को जड़ से मिटाए। देखिए, अगर कोई भी लक्ष्मी मंत्र सिद्ध कर लिया जाए तो ये समझ लीजिए आपने स्वयं मां लक्ष्मी को सिद्ध कर लिया है, फिर आजीवन धन की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पूरी पृथ्वी पर जितनी माया है वो केवल मां लक्ष्मी के ही तो कारण है। आप शादी करने जाएंगे तो पैसे चाहिए, पढ़ने जाएंगे तो पैसे, जहां जाएंगे वहां मां लक्ष्मी के बिना आप प्रवेश ही नहीं पा सकते। इसलिए मां लक्ष्मी को सिद्ध करना बेहद जरूरी है दोस्तों, और शरद पूर्णिमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन आप लक्ष्मी सिद्ध कर सकते हैं। बहुत गोपनीय जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है आज। पहले मैं इसके थोड़े फायदे बता दूं, जिससे आप सब समझ जाएंगे कि किस परेशानी में आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई बीमार है बहुत दिन से और परेशान है, तो ये समझ लीजिए मां लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत भी देती है। सुख और समृद्धि की देवी मां है लक्ष्मी, और जिस भी चीज से आप सोचते हो कि सुख मिलेगा, तो वो सुख केवल मां लक्ष्मी दे सकती हैं। बीमारी दूर करनी हो, व्यापार दौड़ाना हो, नौकरी अच्छी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे बच्चे यानी अच्छी संतान चाहिए, तो भी केवल मां लक्ष्मी ही आपको दे सकती है। और जिसने लक्ष्मी को सिद्ध कर लिया वो राजा है, सम्राट है, वह जो चाहे पा सकता है। तो पहले तो आप कोई भी मंत्र चुन लें जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, खासकर लक्ष्मी मंत्र, और केवल बीज मंत्र भी सिद्ध आप कर सकते हैं। बीज मंत्र ही आपने सिद्ध कर लिया तो सब सिद्ध हो जाता है। किसी को बीज मंत्र सिद्ध होना भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। श्रीम, बीज मंत्र मां लक्ष्मी का ही बीज मंत्र है, इसे कैसे सिद्ध करना है ये हम बता देते हैं। वैसे इस विधि से कोई भी लक्ष्मी और विष्णु मंत्र सिद्ध आप शरद पूर्णिमा पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक कमल का फूल लेकर के आ जाएं, क्योंकि कमल में ही लक्ष्मी वास है। और एक पात्र भी ले आए, नया पात्र कोई मिट्टी का या स्टील का आप ले सकते हैं, बस प्लास्टिक का मत लेना, तांबे या चांदी का ले सकते हैं तो अच्छा है, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा पात्र बिल्कुल नया लाना है। इसीलिए वीडियो हम पहले दे रहे हैं जिससे आप व्यवस्था कर सकें, और 16 अक्टूबर आने में देख लो अभी बहुत समय है, ठीक है? तो पात्र लाने के बाद उसे अच्छे से साफ कर लें और उसमें गंगा जल भर लें। गंगा जल नहीं है तो मां गंगा का ध्यान करते हुए घर का साधारण जल भी ले सकते हैं, क्योंकि हर जल पूजनीय है, ईश्वर स्वरूप है। तो दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए कैसे करना है, स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। गंगा जल भरने के पश्चात मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और जल में देखते हुए प्रार्थना करिए कि हे लक्ष्मी, विष्णु पत्नी मां लक्ष्मी, हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप इस जल में कमल के ऊपर विराजमान हुए। हम आपके बालक हैं, आप हमारी मां हैं, हमसे कोई भूल हो जाए तो मां क्षमा करें, यही एक मां का स्वभाव है। और पुत्र या पुत्री जब मां को पुकारे तो मां दौड़ी आती है, ये भी मां का स्वभाव है। तो हे मां शरद पूर्णिमा, आज आपके जन्मदिवस पर मैं आपका जन्मदिन मना रहा हूं, अपने पुत्र की पुकार सुनिए मां, और मेरी सारी गरीबी निर्धनता और कर्ज को मिटा दीजिए मां, और मेरे घर में सदैव विराजमान रहिए मां। बस इतनी सी प्रार्थना आपका ये पुत्र कर रहा है। हे मां अपने बालक को प्रेम दो मां। बस ऐसे प्रार्थना करना है दोस्तों, जैसा हमने बताया है बिल्कुल ऐसे ही बोलें, और कोई फालतू की चीज मत बोलना कि कहीं बोलते चले जाओ और चुप ही ना हो, इसलिए सारे स्टेप बाय स्टेप सब बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए जरा। ऐसी प्रार्थना करके आप जो है उस जल में हाथ जोड़कर प्रणाम करें
और कमल का फूल उसमें इस प्रकार रखे कि वो तरने लगे, उसके नीचे की डंडी हटा देना तो वो तैरने लगेगा। फिर उस जल में एक 10 रुपए का सिक्का डाल दे। 10 रुपए का सिक्का नहीं है तो तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का आप ले लो, वो सबसे बढ़िया है, जो दिवाली में लाते हो ना, बस वही एक ले आना, वो दिवाली में भी पूजन कर लेना बाद में। तो आपको मां लक्ष्मी की उस पे फोटो छपी हो वो सिक्का ले लेना, कुछ ना मिले तो 10 रुपए का सिक्का तो है ही, वह भी तो लक्ष्मी है, बस आप ले लीजिएगा। और जल में डालने के पश्चात हल्दी की एक गांठ उसमें डाल देना, यह हल्दी विष्णु स्वरूप है, बस एक लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो डालने के पश्चात आप भगवान विष्णु को भी निमंत्रण दें कि हे विष्णु भगवान, हम सबके पिता, हम आपको निमंत्रण देते हैं, मां लक्ष्मी सैंग आइए और कमल पर विराजमान होइए। ऐसा बोलने के पश्चात जो अभी इस वीडियो में प्रार्थना बताई थी ना, मां लक्ष्मी को बुलाने के लिए वो बोल देना है, और कमल पर भी एक 10 रुपए का सिक्का रख देना है और एक हल्दी की गांठ रख देना है, जल में भी और कमल पे भी, दोनों जगह करना है। अब दोस्तों उस जल को नमस्कार करते हुए आप श्रीम बीज मंत्र को बोलकर पढ़े, कम से कम आधा घंटा ठीक से पढ़ने हैं, और जो भी लक्ष्मी विष्णु मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं या तो वो पढ़ लीजिए, पर करना आधे घंटे ही है, बिन माला के करना है, हाथ जोड़कर करना है और हाथों को हृदय के पास रखना है, क्योंकि वहां हृदय चक्र है। पिछले काफी वीडियो में हृदय चक्र के बारे में हमने आपको बताया है ना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, जीवन में सारी सुख इसी चक्र से आते हैं दोस्तों। ये चक्र हीलिंग का स्पॉट माना जाता है, ये तंत्र विज्ञान है, इसके बारे में विस्तार से दूसरे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी जैसे स्टेप्स बताए हैं वैसे फॉलो करना बस आप। तो आधे घंटे जब कम से कम हमने बोला है, ठीक है ना, अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लाभ है, आप देख लेना अब कितना जप करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा रोज रोज तो आता नहीं है, इस दिन को छोड़ना मत। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं मेरा सब व्यूअर्स परेशान ना हो, सबके पास सुख समृद्धि और संपत्ति हो, इसलिए दोस्तों करना जरूर बहुत ईजी है, घर की चीजों से घर में ही हो रहा है, ऐसी चला के कर लेना अगर ज्यादा ही गर्मी लगती है तो, क्योंकि जब हमने पहले बहुत लोगों को यह उपाय बताया है तो कुछ लोग बोलते हैं गर्मी लगता है, भूख लगने लगती है, प्यास लग जाती है, लघु शंका लग जाती है, तो ये सब पहले आप करके बैठ जाना, कहीं ध्यान आपका लघु शंका पर हो और कर रहे हो जब, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है, ध्यान भी मां लक्ष्मी की ओर होना चाहिए, तभी तो आएंगी मैया। खुद सोचिए कि आपके घर मेहमान आए और आपा बोले अभी आ रहा हूं जरा लघु शंका कराओ, तो कैसा लगेगा उनको, इंसल्ट फील नहीं होगा क्या? तो इसलिए बता रहे हैं जिससे आपके मन में कोई शंका ना रहे, नहीं तो कमेंट में फिर आप लिखते हैं और पूछते हैं। तो दोस्तों आधा घंटा जप करने के बाद लाल चुनरी से उस जल और कमल को ढक करके आपको जो है इसे शरद पूर्णिमा की चांदनी में रख देना है, जिससे पूरी रात इस अद्भुत चांद की चांदनी जल में और कमल पर पड़ जाए। ये चांदनी ही आपके जप को सिद्ध करेगी, ये समझ लीजिए आप, और जल भी और सिक्के को भी और कमल के फूल को भी। बस इतना करने के बाद अगली सुबह नहा लीजिए और उसी के बाद उस पात्र को छूना, तो इस पात्र को खोल करके सबसे पहले उसमें से हल्दी सिक्का कमल निकाल करके चुनरी पर रख दीजिएगा और इसकी पोटली बना लीजिएगा। ये सिद्ध सामग्री हो चुकी है। अब इस सामग्री को हाथ में पकड़कर जब जब आप अपनी मनोकामना बोलोगे, रो पैसों की इच्छा करोगे, तो वो निश्चित पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद इस जल को आप थोड़ा सा पीजिए और अपने प्यारे परिवार वालों को पीने को दीजिए और फिर उनसे पूछना कैसा लगा, क्योंकि जैसे ही आप इस जल को पियेंगे आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि अमृत पी लिया हो जैसे, बिल्कुल अद्भुत अनुभव होगा दोस्तों। बहुत लाभ इस जल से मिलता है। इस जल को एक बोतल में भर के रख लेना, सबको एक एक चम्मच पीने के लिए दे देना। इस जल को थोड़ा थोड़ा करके अपने पीने के पानी में मिला लिया करना और सिक्के को चावल में दबा के रख देना। ऐसा करने से यह समझ लीजिए कभी घर में धन की और अन्न की कमी नहीं होती, वो चावल भी सिद्ध हो जाते हैं जिसमें आप ये सिक्का रखेंगे, फिर उन्हीं चावल को आप खाएंगे तो बीमारी दूर होनी तो बिल्कुल तय है दोस्तों। एक सिक्का आप अपने तिजोरी और पर्स में रख लेना, कमल का फूल आप खा भी सकते हैं और तिजोरी में भी रख सकते हैं। कोई घर में बीमार है तो उसको 4 पत्ते खाने के लिए दे देना, बाकी संभाल के तिजोरी में हल्दी के साथ रख देना। इन हल्दी की गांठ को हाथ में पकड़ते हुए आप जब भी मां लक्ष्मी को याद करेंगे, आप देखेंगे कि स्वयं माता लक्ष्मी आपकी बात सुनने लगेंगी। ये इतना गोपनीय और तंत्रोक्त प्रयोग हमने आपको बता दिया है कि इसे करने वाला 7 जन्म तक सुखी रहता है, उसके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव रहता ही नहीं है। इसी के साथ आप कुछ और टोटके भी कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं
तो इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा से धन से लेकर दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर देवी लक्ष्मी को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करने से धन आगमन होता है। कोई भी जातक मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी में रहता है तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब लोगों को खिलने से जातक की मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी दूर हो जाती है। इस जानकारी को दोस्तों अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग मां लक्ष्मी को सिद्ध कर सके। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय मां लक्ष्मी।